स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 28। हमने कल 27 तक किया था जिसमें पुरंजन की मृत्यु के बारे में बताया गया था। अब पुरंजन अगले जन्म में वैदर्भी नामक स्त्री बन गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पुरंजन के अगले जन्म के बारे में 28 से 32 श्लोक में बताया जाएगा वो कैसे वो स्त्री बना। ठीक है, 28वां श्लोक। तामेव मनसा गृहन् बभूव प्रमोदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेशमनि। ताम उसके एव निश्चय मनसा मन से ग्रहणन स्वीकार करते हुए बभू हो गया प्रमदा स्त्री उत्तमा कुलीन। अनन्तरं मृत्यु के पश्चात विदर्भस्य विदर्भ के राजसिंहस्य अत्यंत शक्तिशाली राजा के वेशमनि घर में। चूंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, अतः वह अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बनी। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या के रूप में अगला जन्म लिया। चूंकि राजा पुरंजन अपनी मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था, इसलिए उसे अगले जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। भगवद्गीता के निम्न श्लोक से 8.6 इसकी पुष्टि होती है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मनुष्य शरीर त्यागने समय जिस अवस्था का स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। जब कोई जीव किसी विशेष बात के विषय में सोचने का आदि हो जाता है या किसी विचार में मग्न रहता है तो मृत्यु के समय वह उसके विषय में अवश्य सोचता है। मृत्यु के समय वो बात जरूर ध्यान आएगी जिसको उसने जीवन में ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा। मृत्यु के समय वह जागृतावस्था में, स्वप्न में या सुषुप्तावस्था में जो कुछ देखे रहता है उसका स्मरण करता है। परमेश्वर की संगति छूटने के बाद जीव एक देह से दूसरे में प्रकृति के नियमानुसार तब तक देहांतर करता रहता है जब तक उसे मनुष्य की देह प्राप्त नहीं हो जाती। यदि वह भौतिक विचारों में मग्न रहता है और आध्यात्मिक जीवन से अपरिचित रहता है तो तथा भगवान गोविंद की शरण ग्रहण नहीं करता, जिनके हाथ में जन्म और मृत्यु की समस्याओं का समाधान है, तो वह अगले जन्म में स्त्री बनता है। विशेषकर यदि वह मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण करता है। ठीक है, अगर वो इस तरीके से करेगा तो डेफिनेटली निश्चय ही वो अगले जन्म में क्या बनेगा, स्त्री बनेगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कर्मणा दैव नेत्रेण। जब जीव भगवान कपिलदेव कह रहे हैं कि जीव पुण्य तथा पाप दोनों करता है, कर्मणा देव नेत्रेण, भगवान प्रकृति के तत्वाधान में अध्यक्षता में कर्म के हिसाब से सब होता है, तो जीव पुण्य तथा पाप दोनों करता है। इन सब का लेखा जोखा करने के बाद उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जीव को नया शरीर मिलता है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था किंतु तो भी उसने अनेक पुण्यकर्म किए थे। फलस्वरूप यद्यपि उसने स्त्री का स्वरूप प्राप्त किया किंतु उसे शक्तिशाली राजा की कन्या बनने का अवसर प्रदान किया गया, क्योंकि जो सोच रहा था उसके हिसाब से तो स्त्री का शरीर मिल गया, लेकिन जो कर्म थे उसके हिसाब से वो स्त्री कहाँ बनी, राजा की बेटी। तो बताया था कर्म और स्वभाव दोनों के आधार पर होता है, तो कर्म के हिसाब से और स्वभाव जो इच्छाएँ थीं उसके हिसाब से वो स्त्री बना, लेकिन विचारों के हिसाब से स्त्री बना, लेकिन कर्म के हिसाब से उसने पुण्य कर्म भी किए थे तो वो जो है क्या बना, राजा घर में पैदा हुआ, तो राजकन्या बन गया। इसकी पुष्टि भगवद्गीता से 6.41 होती है। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी जो भक्ति कर रहा था पर बीच में वो असफल हो गया, किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई या जो भी है, असफल योगी अनेक अनेक वर्षों तक पुण्य आत्माओं के लोक में सुख भोग कर किसी पुण्य परिवार अथवा धनवान परिवार में जन्म लेता है। शुचिनाम श्रीमताम, पुण्य परिवार और धनवान परिवार में जन्म लेता है। अगर उसने अच्छे से कुछ किया था पर पूरा नहीं कर पाया, ओके, योग भ्रष्ट हो भी जाए थे, बीच में वो रुक गया था, छूट गया था कैसे भी करके, तो वो व्यक्ति
किसी पुण्य परिवार में शुचिनाम या फिर धनवान परिवार में श्रीमताम गेहे माने घर, उसमें जन्म उसका होता है। यदि कोई मनुष्य सकाम कर्मों में आसक्त रहने या योग के कारण भक्तियों के पथ से भ्रष्ट होता है तो उसे उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार भगवान द्वारा नियुक्त उच्चाधिकारी जीव की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण न्याय बरतते हैं। सब कुछ जीव की इच्छाओं के को ध्यान में रखते हुए कर्म के हिसाब से उसको न्याय मिलता है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विचारों में डूबा रहने के कारण स्त्री बना, किंतु पूर्व पुण्योकरण उनका जन्म राज परिवार में हुआ। तात्पर्य यह है कि दूसरा शरीर प्रदान किए जाते समय हमारे समस्त कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सारे जो कर्म किए उन सबका वो वहाँ पे डिस्कशन मूल्यांकन होगा, रिव्यू। इसलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश दिया कि मनुष्य को अन्य सारे वृत्तिपरक कर्मों धर्मों को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जो भी कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी कर्म धर्म करेगा उसका मूल्यांकन होगा, कृष्ण भक्ति का कोई मूल्यांकन नहीं होगा। कृष्ण भक्ति जो है वो उनको इसके ऊपर लेके जाएगी, पाप और पुण्य के ऊपर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया। यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक चेतना के पथ से च्युत हो सकता है, किंतु फिर भी वह किसी भक्त या धनी के घर में मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त करेगा। इस प्रकार से वह मनुष्य अपनी भक्ति को फिर से चालू कर सकता है। ठीक है, तो ये उसको जो योगी जो बीच में छूट जाता है, अधूरा रह जाता है जिसका भक्ति, उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, वो भी अच्छे परिवार में, धनवान पुण्य परिवार में। क्यों मिलता है? ताकि वो जहाँ से छोड़ा है वहीं से भक्ति आगे चालू कर सके, उसका कोई नुकसान ना हो। तो जहाँ तक ये होती है उसके आगे से उसको उस जन्म में मिल जाता है तो वो करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो करता है तो यही प्रकृति का ऐसा सिस्टम बनाया है कि इस प्रकार से वो अपनी भक्ति को फिर से चालू कर सके। तो प्रकृति चाहती है कि अपनी भक्ति को फिर से चालू करे, और वो ख़त्म कुछ नहीं होता, जहाँ तक किया था उसके आगे से ही करेगा। इसलिए कई बार देखा गया कि किसी के घर में, बड़े भक्तों के घर में, बड़े उनके घर में देखा जाता है कि कोई पैदा होता है तो उसको पहले से कुछ बहुत सारी चीज़ें पहले से उसमें देखने को मिल जाती हैं, है ना। जैसे किसी को कोई भक्ति की चीज़ पहले से ही पता है, याद रहती है, या फिर वो जल्दी से बचपन से ही उसी उन्हीं तरह की चीज़ों में आकर्षित रहता है, क्योंकि वो उसे पता है, है ना। पूरा ध्यान नहीं रहता पर वो नेचुरली उतना आकर्षित रहता है उन सब चीज़ों के प्रति, भक्ति की चीज़ों, क्योंकि पिछले जन्म में वो कर रहा था, कहीं तो भी छूट गया। उपिये में वीर्य प्रणाम वेदर भी मले ध्वजा युधि निर्जित्य राजन्यान पांड्य पर पुरंजया। उपिये में विवाह किया वीर्य शौर्य का प्रणाम पुरस्कार वेदर भी विदर्भ की कन्या मलयध्वज युधि युद्ध में निर्जित्य विजयी होकर राजन्यान अन्य राजकुमार पांड्या पांडु देश में उत्पन्न अथवा सर्वश्रेष्ठ विद्वान पर दिव्यपुरम नगरी जय विजेता। यह निश्चित हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वेदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलय ध्वज के साथ किया जाए जो पांडु देश का रहने वाला था। अब वेदर्भ विदर्भ देश की कन्या के रूप में वो पुरंजन पैदा हुआ था, तो विदर्भ देश की कन्या के रूप में पैदा हुआ और उसका नाम हुआ वेदर्भी। उसकी शादी तय हो गई मलय ध्वज के साथ, जो कि कहाँ का रहने वाला था, पांडु देश का रहने वाला था। तो उसने अन्य राजकुमारों को पराजित करके राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह कर लिया। तो मलयध्वज की शादी किसके साथ हुई, वेदर्भी के साथ। वेदर्भी कौन है, जो कि पिछले जन्म में पुरंजन था। तो क्षत्रियों में प्रचलन है कि किसी राजकुमारी के विवाह कुछ शर्तों के अंतर्गत किया जाए, वहाँ पे कुछ शर्त रहती थी। उदाहरणार्थ द्रौपदी का विवाह उसके साथ होना था जो मछली की परछाई देखकर उसे बाण द्वारा वेद देगा। इसी तरह श्री कृष्ण ने 7 बलवान सांडों को हराकर अपनी एक रानी को प्राप्त किया था। यह वैदिक प्रथा थी कि राजा अपनी कन्या के विवाह कुछ शर्तों के साथ करे। राजा वेदर्भ की कन्या वेदर्भी एक परम भक्त तथा शक्तिशाली राजा को प्रदान की गई थी। चूंकि मलयध्वज एक शक्तिशाली राजा तथा महान भक्त था, इसलिए वह सारी शर्तों को पूरा करता था। तो पहले ही शर्त लगा के देते थे विवाह में शादी, तो शर्त इसलिए लगाते थे ताकि उन्हें पता चले कि जो लड़का है जिससे हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, ये हमारी बेटी से योग्य है कि नहीं, उससे ज़्यादा, कम से कम कुछ तो उससे आगे उसमें क्वालिफिकेशन योग्यता होनी चाहिए। तो वो ऐसी शर्त रख देते थे कि देखें ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना,
तो मलयध्वज नाम ही ऐसे भक्त का सूचक है जो मलय पर्वत की भांति अटल हो और अपने प्रचार से अन्य भक्तों को भी अटल बनाए। तो मलयध्वज जो है उसका ऐसे भक्त से उसकी तुलना की जा रही है जो अपनी भक्ति में बहुत ही ज़्यादा अटल है और जो अपने प्रचार से अन्य भक्तों को भी अटल बनाएगा। तो ऐसा महाभागवत अपनी बात को सभी को मनवा सकता है। प्रबल भक्त अन्य समस्त आध्यात्मिक विचारधाराओं जैसे यथा ज्ञान कर्म तथा योग के विरुद्ध प्रचार करता है। तो जो प्रबल भक्त होता है, जो बहुत शक्तिशाली भक्त होता है, वो शुद्ध भक्ति का प्रचार करता है, वो भी ज्ञान योग कर्म योग सबके विरुद्ध प्रचार करता है। वह अपनी भक्ति पताका फहराकर अन्य आध्यात्मिक विचारधाराओं को जीतने पर अटल रहता है। जब भी एक भक्त तथा भक्त में शास्त्रार्थ होता है तो शुद्ध प्रबल भक्त सदैव विजयी होता है। तो इस तरह से जो भक्त मलयध्वज किस तरह का भक्त है, बहुत ही पावरफुल है, सबको भक्ति में लगा देता है, सबसे शास्त्रों में जीत जाता है और सबकी विचारधाराओं को पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। और इस तरीके से उसका भक्ति में बड़ा अटल विश्वास है और लोगों को भी भक्ति का प्रचार करता है। तो पांडे शब्द पंडा से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। तो जब तक कोई शीर्षस्थ विद्वान ना हो वह अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय नहीं पा सकता। पर शब्द का अर्थ है दिव्य तथा पुर शब्द का अर्थ है नगरी। परपुर वैकुंठ है, परपुर माने वैकुंठ, तो परपुर वैकुंठ है और जय शब्द जीतने वाले का सूचक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्त यदि भक्ति में प्रबल है और उसने सभी अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय पा ली है तो वह वैकुंठ को भी जीत सकता है। यदि वह अपनी भक्ति में बहुत ज़्यादा प्रबल है और सभी अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय पा ली, यानी कि जो भक्ति के अलावा जो दिमाग में विचार आ रहे हैं उन सब पर अगर उसने विजय प्राप्त कर ली है तो वह वैकुंठ को भी जीत सकता है। दूसरे शब्दों में केवल भक्ति के द्वारा वैकुंठ को जीता जा सकता है और किसी तरीके से व्यक्ति वैकुंठ नहीं जा सकता। वैकुंठ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है भक्ति करना। भगवान को अजित कहा गया है, किंतु एक प्रबल भक्त अपनी दृढ़ भक्ति से भगवान को भी जीत लेता है। भगवान का एक नाम है अजित। अजित माने जिसको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उसी अजित भगवान को भक्त अपनी भक्ति से जीत लेता है। तो सच्ची भक्ति दृढ़ भक्ति से एक भक्त भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। भगवान कृष्ण सबों के लिए साक्षात भय हैं, किंतु स्वेच्छा से वे यशोदा माता की छड़ी से भी भयभीत होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो सभी भगवान कृष्ण डरते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण किससे डरते हैं, यशोदा माता की छड़ी से। तो कृष्ण को उनके भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जीत सकता। ऐसे ही एक भक्त ने राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह किया, ठीक है। 29वां श्लोक 30। तो अब इनकी विवाह हो गया, ठीक है। तस्याम साजनयाम चक्र आत्मजाम सितेक्षणाम यवि यसा सप्त सुतान सप्त द्रविड़ भूभृतः। तस्याम उससे सह राजा ने जनयाम चक्र उत्पन्न किया। आत्मजाम पुत्री असित श्याम ईक्षण आँखों वाली यवि यसा छोटा अत्यंत शक्तिमान सप्त सात सुतान पुत्र सप्त सात द्रविड़ द्रविड़ देश दक्षिण भारत भू भूवा के भृता राजा। राजा मलयध्वज के एक पुत्री हुई जिसकी आँखें श्यामल थीं। इनकी शादी हो गई, उनके एक पुत्री हुई जिसकी आँखें श्यामल थीं। उसके सात पुत्र भी हुए जो आगे चलकर द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में सात राजा हुए। राजा मलयध्वज परम भक्त था। राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह करने के बाद उससे एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसकी आँखें कैसी थीं, जिसकी आँखें श्यामल थीं। आलंकारिक रूप में इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी कन्या भी भक्ति गुण से संपन्न थी, क्योंकि उसकी आँखें सदैव कृष्ण पर लगी रहती थीं। तो उनकी जो कन्या बेटी हुई वो भी हमेशा कृष्ण की तरफ ही देखती रहती थी। तो भक्त के लिए जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होती। सातों पुत्र भक्ति की सात विधाएं हैं, श्रवण स्मरण कीर्तन पूजन प्रार्थना दिव्य भक्ति करना तथा भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। नौ प्रकार की भक्ति में से केवल सात उसे प्राप्त थीं। नवदा भक्ति होती है, नौ तरह की, उसमें से सात उसे प्राप्त थीं। तो जो उसकी सात पुत्र हैं ये उसको सात तरह की भक्ति का उसको तुलना हो रही है। तो शेष दो का सख्यभाव तथा आत्मनिवेदन का बाद में विकास होना था। तो दूसरे शब्दों में भक्ति की दो कोटियाँ, विधि मार्ग तथा राग मार्ग। तो सख्य भाग तथा आत्मनिवेदन ये दोनों राग मार्ग के अंतर्गत आते हैं। नव दीक्षित भक्त के लिए तो विधि मार्ग की सात विधाएं ही महत्वपूर्ण हैं।
तो यवि ऐसा शब्द सूचित करता है कि ये विधियाँ अत्यंत शक्तिशाली हैं। जब भक्त श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य में लग जाता है और इन्हें प्राप्त कर लेता है तो बाद में वह सख्यम एवं आत्मनिवेदन को भी प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः संसार भर में भक्ति का उपदेश देने वाले सारे आचार्य सख्यम आत्मनिवेदनम कोटि के होते हैं। नवदीक्षित भक्त वास्तव में उपदेशक नहीं बन सकता, उसे अन्य सात क्षेत्रों श्रवणम कीर्तनम इत्यादि में भक्ति करने की सलाह दी जाती है। यदि वह इन प्रारंभिक सातों को सफलतापूर्वक कर लेता है तो भविष्य में वह सख्यम आत्मनिवेदनम पद को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर द्रविण देश का जो विशेष उल्लेख है, दक्षिण भारत के 5 द्रविण देशों के लिए हुआ है। ये सब मूल भक्ति की विधियों श्रवण कीर्तनम इत्यादि श्रवणम कीर्तनम इत्यादि को संपन्न करने में अत्यंत प्रबल हैं। कुछ महान आचार्य यथा रामानुजाचार्य तथा मध्वाचार्य द्रविण देश के ही थे। जो महान उपदेशक हुए वे सभी सख्यम आत्मनिवेदनम पर आसीत थे। तो जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा हाई लेवल पर सख्यम आत्मनिवेदनम के लेवल पर है। ठीक है, एकैकस्या भवत्तेषां राजन् राजन्नरबुदम् अर्बुदम् भोक्षते यद्वंशधरैर्महि मन्वन्तरम् परम्। एक एक से हरेक के अभवत हुए तेषाम उनके राजन हे राजा अर्बुदम् 1 करोड़ अर्बुदम् 1 करोड़ भोक्षते भोगेंगे, यत जिसका वंशधरै वंशजन द्वारा मही सारा संसार मनुअंतरम् एक मनु के अंत तक परम तथा उसके पश्चात। हे राजा प्राचीन परिषद, मलयध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया और ये सब एक मनु की अवधि के अंत तक तथा उसके बाद भी सारे संसार का पालन करते रहे। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ठीक है, अभी फिर से समझ सकते हैं, बार बार बताया कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनवंतर अर्थात मनु की आयु, मनवंतर का माना एक मनु की आयु, तो 71 जो है एक मनु की आयु में 71 चतुर्युग होते हैं। ठीक है, 71 चतुर्युग का मतलब कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 4 है ना, तो 4 का सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इसको कहते हैं एक चतुर्युग। चारों हो जाए तो एक साइकिल होती है, तो इसे कहते हैं एक चतुर्युग। तो ऐसे करके हजार चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है 12 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से मनु के अब उसमें एक बनता है, यहाँ मनु के एक पीरियड एक मनु के समय में 71 चतुर्युगी आते हैं, यानी कि 71 सतयुग, 71 द्वापर, 71 त्रेता, 71 कलयुग, तो 71 चतुर्युगी एक मनु के समय में आते हैं। फिर एक मनु के बाद दूसरा मनु आता है, इस प्रकार 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। इस प्रकार ब्रह्मांड का जीवन चक्र चलता रहता है, चूँकि एक के बाद एक मनु की परंपरा चलती है, अतः कृष्ण भक्ति संप्रदाय चलता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। श्री भगवान उवाच एवं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम् विवस्वान मन वेप्राह मनुरिक्ष्वाकुवे अब्रवीत। प्रसन्नचित भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा विवस्वान को दी, विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दी। सूर्यदेव विवस्वान ने भगवत गीता एक मनु को प्रदान की और इस मनु ने अपने पुत्र को दी और जिसने फिर उसे अन्य मनु को प्रदान किया। तो ये भगवान, जैसे हम लोगों को लगता है कि गीता तो अभी 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में बताई गई, लेकिन वहाँ बताई गई उसी गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन आज तुम्हें गीता बता रहा हूँ, इस गीता को मैं ऑलरेडी हजारों सालों पहले सूर्यदेव को बता चुका हूँ, और सूर्यदेव ने अपने पुत्र विवस्वान को, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये भगवद गीता ऑलरेडी दिया। तो भगवद गीता कोई 5000 साल पुरानी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार कभी रुकता नहीं है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह यह कृष्ण भक्ति, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन नया है, जैसा कि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत से पुष्टि होती है, यह अत्यंत प्राचीन आंदोलन है, क्योंकि यह एक मनु के से दूसरे को हस्तांतरित होता रहा है। तो ये जो कृष्ण भक्ति है ये हमेशा से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, एक मनु दूसरे मनु को ये सब सिखाते आ रहे हैं। तो वैष्णव में कुछ व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति संप्रदाय तो आगे बढ़ते ही रहता है। हम देख सकते हैं कि विगत 100 वर्षों में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने सुसंबद्ध
रूप से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उपदेश कार्य प्रारंभ किया। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के सारे शिष्य गुरु भाई हैं और यद्यपि इनमें कुछ मत भिन्नताएँ हैं और वे मिलकर एक साथ काम नहीं करते, किंतु इनमें से एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है और विश्व में इसे प्रचारित करने के लिए अनेक शिष्य उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छी बात लिख रहे हैं, क्या कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के सारे शिष्य गुरु भाई हैं और यद्यपि इनमें कुछ मत भिन्नताएँ हैं और वे मिलकर एक साथ काम नहीं करते, किंतु इनमें से प्रत्येक अपनी व्यक्तिगत क्षमता से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है और विश्व में से प्रचारित करने के लिए अनेक शिष्य उत्पन्न कर रहा है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे शिष्य बनाए और भक्ति का खूब प्रचार भी किया। तो जहाँ तक हमारी बात है, हमने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है और कई जारी यूरोपीय तथा अमेरिकी इस आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। यह आंदोलन दावाग्नि के समान फैल रहा है। नवदा भक्ति पर आश्रित श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय कभी रुकने वाला नहीं है। यह किसी जाति पात रंग तथा देश के भेदभाव के बिना आगे बढ़ता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इस श्लोक में भोक्ष्यते शब्द महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार सारे भक्त भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए संसार भर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। संसार के लोग तथा कथित धार्मिक स्वामियों, योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आध्यात्मिक पद तक पहुँचने का सही मार्ग नहीं बता पाता। सारे संसार में भक्ति का प्रचार करने वाले चार संप्रदाय हैं। चार कौन कौन से? यह रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय। यही चार संप्रदाय हैं जो भक्ति का प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में हैं। मध्व गौड़ी संप्रदाय भगवान चैतन्य महाप्रभु की देन है। ये सारे भक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यापक प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो हमारा है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और ये सारे भक्त जो हैं इस्कॉन में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यापक प्रचार कर रहे हैं और निर्दोष जनता को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जो छद्म अवतारों, स्वामियों, योगियों तथा बाबाओं से संतुष्ट है। तो इस तरीके से जो है इस्कॉन का प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो लोग किस तरीके से सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, 32वां श्लोक। अगस्त्या प्राग दुहितरम उपयेमे धृतव्रताम यस्याम दृढ़च्युतो जातः इदम् इद्म बाहात्मजो मुनिः। अगस्त मुनि ने प्राग पहली दुहितरम कन्या को उपयेमे विवाह दिया। धृतव्रताम व्रत धारण के यस्याम जिससे दृढ़च्युत नाम जाता उत्पन्न हुआ। ईद्मवाह नामक आत्मजहा पुत्र मुनि भगवान कृष्ण के परम भक्त मलय ध्वज की पहली कन्या के विवाह अगस्त मुनि के साथ हुआ। ठीक है, फिर उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था दृढ़च्युत, जिससे ईद्मवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अगस्त मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। यह मन का द्योतक है। अगस्त सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो यह सेवा में लग जाता है। भक्ति संप्रदाय भक्ति लता मलय ध्वज की पहली पुत्री है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती थीं असितेक्षणाम। तो कोई किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो केवल भगवान विष्णु की जा सकती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना हम देवी के भक्त हैं, हम गणपति के भक्त। भक्त शब्द सिर्फ विष्णु को आता है, भक्त शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए आता है, ना कि दूसरे देवी देवताओं के लिए। दूसरे देवी देवताओं के लिए जो है उपासक शब्द आ सकता है। कोई कह सकता है हम तो दुर्गा के उपासक हैं, गणपति के उपासक हैं, वो कह सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो भगवान को निराकार मानते हुए मायावादियों का कहना है कि भक्ति किसी प्रकार की पूजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है मायावादी कौन से प्रभुपाद जी लेके आ रहे हैं कि भगवान को ये लोग क्या मानते हैं, निराकार मानते हैं, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, है ना। तो भगवान को निराकार मानते हुए
है ना। अभी 2 दिन पहले एक भक्त ने फ़ोन किया था, तो उनको कोई मिल गया था, तो वो यही प्रश्न मेरे से पूछ रहे थे। फ़ोन के माध्यम से उन्होंने 1 घंटे तक मेरे से डिस्कशन करा इसी बात पर कि वो निरंकारी जो हैं उनके फॉलोअर थे, तो उनको उस निरंकारी सत्संग में उनको ये सिखाया कि भगवान का आकार नहीं है, सब शून्य है। तो वही वो सीखे हुए थे और यही हमको बता रहे थे कि भगवान का कोई आकार नहीं है। तो ये मायावादी लोग होते हैं, कहते हैं भगवान का आकार नहीं होता, भगवान का कोई रूप नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो ये लोग कहते हैं कि सिर्फ ऐसे लाइट है, ऐसे कोई रूप नहीं है, जब ज़रूरत होती है तो वो उससे एक रूप बन जाता है थोड़ी देर के लिए। यानी कि जो रूप है भगवान का, वो रूप है वो क्या, माया, असली में नहीं है, वो कुछ देर के लिए बना वो ख़त्म हो जाएगा, वो है माया। तो ये माया रूप है, तो इसलिए उसको ऐसे लोग जो बोलते हैं इसको, उनको कहते हैं मायावादी, क्योंकि वो भगवान के रूप को माया समझते हैं। ठीक है, तो भगवान को निराकार मानते हुए मायावादियों का कहना है कि भक्ति किसी भी प्रकार की पूजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यदि ऐसा होता तो भक्त किसी भी देव या देव रूप की कल्पना करके उसकी पूजा करता। तो जो भक्त शब्द है वो कहते हैं किसी पर भी लगाओ, लेकिन भक्त शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए लगता है, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति केवल विष्णु तथा उनके अंशों की ही की जा सकती है। भक्ति जो है वो सिर्फ कृष्ण या विष्णु की ही होती है, और उन्हीं के लिए भक्ति शब्द आता है। अतः भक्ति लता दृढ़व्रता है, क्योंकि जब मन भक्ति में लग जाता है तो वह च्युत नहीं होता। यदि कोई अन्य साधनों से यथा कर्म योग या ज्ञान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह गिर जाता है, किंतु यदि वह भक्ति में स्थिर दृढ़ है तो वह गिरता नहीं। इस प्रकार भक्ति लता से दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ होता है, और दृढ़च्युत से इद्मवाह उत्पन्न होता है। इद्मवाह का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ समिधा लेकर जाने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पद पर स्थित कर देती है। इस प्रकार स्थिर रहने वाला कभी नहीं गिरता, और उससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होंगे। जैसा कि वेदों का कथन है, तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो भक्ति में दीक्षित होते हैं वे वैदिक शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पुरंजन का जो अगला जन्म हुआ उसमें वो वैदर्भी नामक राजा विदर्भ की पुत्री बना, और उसका नाम हुआ वैदर्भी। उसकी शादी हुई मलयध्वज के साथ, जो कि पांड्य देश का राजा था। ठीक है, तो जो मलयध्वज जो राजा था वो बहुत ही भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। फिर जो है मलयध्वज और वैदर्भी ने 1 पुत्री और 7 पुत्र पैदा हुए। 7 पुत्र जो हैं वो जो है शबनम कीर्तनम विष्णुम दास्यम तक 7 भक्ति की विधियों का वर्णन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सख्यम आत्मनिवेदनम शुरुआत में नहीं होता है, ये अपने आप आती है, रागों का भक्ति है। ठीक है, और उनकी 1 पुत्री थी। फिर आगे जाके उनसे कई सारे जो है 7 पुत्रों ने कई सारे पुत्रों को, लाखों पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह से उनका परिवार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और जो उनके पुत्री थी जिसकी शादी हुई अगस्त मुनि से, ठीक है, तो उनका अगस्त मुनि से उनकी पुत्री की शादी हुई थी। और वही चीज़ जो है 32वें श्लोक में उनकी पुत्री के बारे में और 31 में उनके पुत्रों के जो वंश के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, तो भगवान कृष्ण के परम भक्त मलयध्वज की पहली कन्या के विवाह किसके साथ हुआ था, अगस्त मुनि के साथ हुआ, मलयध्वज की पहली कन्या का। उससे 1 पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दृढ़च्युत, जिससे इद्मवाह नामक 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये उनकी पुत्री का वंश के बारे में बताया गया। तो दृढ़च्युत नामक जो हुआ उसका पुत्र हुआ इद्मवाह। तो दृढ़च्युत माने जो भक्ति में कभी भी गिरता नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है भक्ति में। ठीक है, और अपने इद्मवाह उसके पुत्र का नाम क्या, इद्मवाह, यानी को अपने गुरु की जो है सारी बातों को मानता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा आगे बताया जा रहा है। अब 33 से 42 श्लोक में बताया जाएगा कि जो मलयध्वज है और वैदर्भी है, ये किस तरीके से
जो है राजपाट छोड़ के जंगल की तरफ गए, इन्होंने कैसे वानप्रस्थ आश्रम लिया। ठीक है, हरे कृष्णा। 33वें श्लोक से हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय।